हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 9 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 6560 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 3560 करोड़ का फ्रेश इशू हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 3000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं बजाज फाइनेंस जो कंपनी की लिस्टेड कंपनी है तो उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 70 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और अगर हम एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 214 शेयर्स का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि अगर एक लॉट अगर आपको अप्लाई करना है तो 214 शेयर्स ये लॉट साइज के अंदर आपको यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 2050 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि पिछले अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ के लगभग की मुझे लगता है कि मैक्सिमम डिमांड हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके हिसाब से अराउंड 3 to 3.5 times हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे कंपनी ने शेयर होल्डर कोटा भी रखा है। अगर आपके पास में बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर अगर आपके पास में 30 तारीख को अगर आपके पास में बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस के शेयर्स हैं तो आप यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। लगभग 500 करोड़ के लगभग का शेयर होल्डर कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर आपके पास में 13 लॉट का लगाने का पैसा यानी कि अराउंड यहाँ पे 1,95,000 रुपीज़ अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली 13 लॉट की एप्लीकेशन शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो अगर आप शेयर होल्डर हो तो। अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो तो फिर भी अगर आप उसमें एप्लीकेशन लगाओगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बजाय अगर आप 13 लॉट की एप्लीकेशन अगर आप लगा रहे हो तो वहां पर आपको स्मॉल एचएनआई में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये होम लोन देने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी कंपनी है। तो देखिए एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 10 से 15 साल में काफ़ी फिनोमिनल वेल्थ यहाँ पे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने यहाँ पे लोगों के लिए बनाई है। तो डेफिनेटली जब आपका जो पास रिकॉर्ड अगर इतना अच्छा होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट लॉन्ग टर्म में जो कंपनी जो होती है आपकी जो अदर कंपनीज होती है उनको भी मार्केट हायर पी रेशियो देने का काम करता है। तो डेफिनेटली इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे ये जो कंपनी है इसका रेशियो डेफिनेटली हमें जो बाकी हाउसिंग फाइनेंस का जो पी रेशियो के कंपैरिजन में इसका पी रेशियो में यहां पे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 58,000 करोड़ के मार्केट कैप ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लगभग 2,000 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी का में देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 29 to 30 times के पी रेशियो पर कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पैड ये 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लगभग अगर हम देखेंगे तो 3,560 करोड़ का फ्रेश इश्यू ये कंपनी कर रही है। तो इसको भी अगर आने वाले टाइम के लिए बचे हुए 6 महीने में अगर ये कंपनी इसको लोन के फॉर्म में अगर ये पैसे को देगी तो कहने की उसकी वजह से कहने की ये जो पैट का नंबर होगा 2100-2200 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए अगर हम बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी ऑलरेडी अराउंड 30 के PE पे वो कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और उसकी अगर हम पैट की अगर हम बात करेंगे लगभग 16 से 18 हज़ार करोड़ के लगभग का पैट हमें ये साल उस कंपनी का देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली अगर जिस कंपनी का इतना हाइयर प्रॉफिट है उसको अगर मार्केट ज़्यादा पी रेशियो दे रहा है तो ये कंपनी का अगर हम बात करेंगे हार्डली 2,000 करोड़ के लगभग का पैट है। मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले 3 से 4 साल के लिए डेफिनेटली अराउंड 20 से 25% CAGR से कंपनी में ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो थोड़ा 40 से 50 के लगभग के पी रेशियो यहाँ पे ये कंपनी को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यूशन यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली हमें यहाँ पे नजर आता है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 3.7 times के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके का ग्रे मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अगर 50% के ज़्यादा के प्रीमियम पर अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो सीधा वहाँ पे लिस्टिंग पे लगभग 6 times यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का हो जाएगा। तो वहां पे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से जो वैल्यूएशन इतने ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा साइडवेज में चला जाएगा, क्योंकि देखिए बजाज हाउसिंग एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है तो वहां पे ज्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि वहां पे लिस्टिंग के बाद में ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज वहां पे चला जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए करंटली अगर हम देखेंगे इस वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सिनेरियो में लगभग 30 से 40% का गेन मुझे मेरे ख्याल से यहां पर आपको लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ के अंदर मिल सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे अभी अगर हम करंटली ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रे मार्केट यहाँ पे अराउंड 70 to 80% प्रीमियम यहाँ पे ये कंपनी के लिए यहाँ पे अभी बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है।
लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा आपको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे काफी बड़ा आईपीओ का साइज है। और अगर हम मार्केट में अगर हम अभी सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे, थोड़ी मार्केट में सिचुएशन हमें वीक लग रही है, खास करके अगर आप देखोगे रोज निफ्टी में नया ही मरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बहुत सारी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से 15 से 20% अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टॉक्स हमें अभी नीचे नजर आ रहे हैं। अगर एकदम से अगर मार्केट में अगर कुछ भी यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है तो यहाँ पे एक बड़ा इश्यू है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो 40 से 50% से ऊपर का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिख रहा है वो रातों रात यहाँ पे गायब हो सकता है। क्योंकि जब आपके पास में इतने ज्यादा सेलर होते हैं वहाँ पर अगर आपके पास में बायर्स अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट में भी यहाँ पे हो सकती है। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे कंपनी बहुत बढ़िया है, ये कंपनी की ग्रोथ काफी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए कि अभी 3 से 4 साल पहले जब एक SBI कार्ड करके कंपनी लिस्ट हुई थी उसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 40% के लगभग था। और वहाँ पर भी अगर आप देखोगे जिस तरीके का यूफोरिया वहाँ पे था, जितने भी लोग थे वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमें यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा में देखने को मिली थी, रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन उसकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो आईपीओ में हार्डली रेट टू रेट हमें वो लिस्ट होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे अराउंड 30-40% वो आईपीओ प्राइस से नीचे गया था, और उसके बाद में जब मार्केट रिकवर किया था उसके बाद में वो कंपनी में रिकवर होती हुई नजर आई थी। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको इंडिकेट कर रहा है उसी पे एक कंपनी में लिस्ट होती भी नजर आएगी। अगर आपके पास में खुद का फंड है तो वहीं से आपको मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर आपके पास में FD वगैरह तो उसको उसके अगेंस्ट में आप थोड़ा बहुत यूज करके यहाँ पे इसमें आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से लोन लेकर यहाँ पर बिल्कुल भी आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोन अगर आप लोगे तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी देना पड़ेगा, और अगर बाई चांस अगर सिचुएशन चेंज होती है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए भी तो वहाँ पर आपको शेयर में भी लॉस हो सकता है, और उसके अलावा वहाँ पर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी लग सकती है। तो इसलिए लोन लेकर डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये आईपीओ के लिए थोड़ा आपको कॉशियस रहना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।